हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एमएलजी। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब इसमें भी स्पेशली हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में जानेंगे। कई लोग जानते होंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता क्या है, और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो आज मैं उन सभी को बताने वाली हूँ कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता क्या है, और कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, और ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं ब्लड डोनर डे एक्चुअल में मनाया कब जाता है? तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 जून को, यानी कि 14 जून को हम लोग वर्ल्ड डोनर डे मनाते हैं। इसका मेन पर्पस होता है लोगों में अवेयरनेस फैलाने का, कि जो हेल्दी पर्सन हैं, जो हेल्दी हैं, यानी कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैरी कर रहे हैं, और अगर वो इतने ज्यादा हेल्दी हैं और वो सक्षम हैं कि वो अपना रक्त दान कर सकते हैं और किसी और की सहायता हो सकती है उसमें, तो उनको ये जरूर करना चाहिए। अब लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं 1 अक्टूबर से। देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा कि 14 जून जो है इसमें हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं, और 1 अक्टूबर को हम नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, और ये कब से होता आ रहा है? 1975 से। इसका भी मेन पर्पस है, मेन एम होता है कि हेल्दी पीपल को एनकरेज करना कि आप ब्लड डोनेट कीजिए। किसी की सहायता अगर आप कर सकें तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं होता। अब आते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो क्या आप जानते हैं आपका ब्लड ग्रुप का टाइप क्या है? वैसे तो सबको पता होगा कि ब्लड ग्रुप जो है 4 तरह का होता है, ए बी ओ एंड ए बी। अब उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? चलिए पढ़ते हैं इसको। ब्लड जो टाइप है, ब्लड का टाइप, वो किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी। हमारी जो आरबीसीज होती हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, उनके ऊपर कुछ एंटीजेंस होते हैं जो कि इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में आएंगे वो एंटीजेंस, और उन पे डिपेंड करता है कि वो एंटीजेंस किस तरह के हैं, और उस पे कि वो ब्लड ग्रुप ओ होगा, ए होगा, बी या फिर ए बी ब्लड ग्रुप होगा। अब आता है दीज एंटीजेंस में भी प्रोटीन्स। वो एंटीजन जो कि रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर होते हैं, वो प्रोटीन हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन मींस ग्लूकोज और प्रोटीन का मिक्सचर, एंड ग्लाइकोलिपिड इज ग्लूकोज एंड लिपिड्स का मिक्सचर। ये चारों में से कुछ भी हो सकते हैं वो प्रोटीन्स। मेनली 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा, ए बी, ए बी और ओ। अब इसमें भी सिस्टम्स आते हैं। यहाँ पर है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप इन्हें जानते हैं? ये जो फोटो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, तो ये है कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ही एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया था, और इन्होंने ही बताया था कि ब्लड ग्रुप जो है एबीओ किस पर डिपेंड करता है, कि किसका ब्लड ग्रुप ए होगा, किसका बी होगा, या किस तरह से ये वेरी करते हैं लोगों में। वैसे अगर हम ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें, तो ब्लड ग्रुप सिस्टम में कई तरह के अलग अलग ब्लड ग्रुप्स आते हैं, जैसे कि केल, डफी, एमएनएस, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ एबीओ की बात करने वाले हैं। सो आवर ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द जीन्स वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स। जो हम जीन अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ये क्या होगा। Each group can be either Rh positive or Rh negative, which means in total 8 blood groups. हर एक जो ग्रुप है उसमें या तो Rh positive होगा या फिर Rh negative होगा। Rh is a type of protein जो कि बताता है अगर आपके RBC के surface पे Rh antigen होगा, it means वो Rh positive होगा, और अगर Rh का antigen नहीं है तो वो blood group जो होगा आपका वो negative होगा। तो इसका मतलब total blood group हो गए 8। चलिए आप इसको picture के माध्यम से ठीक से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेड ब्लड सेल टाइप, और यहाँ पे एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, यहाँ पे एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स। अब बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक लगता है उन्हें, तो ऐसा कोई भी डरने वाली बात नहीं है, इसको बस आप ध्यान से एक बार सुन लीजिए। ये है ग्रुप ए, यानी कि ये वो पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, ये वो है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ये वो है जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, और ये वो लोग हैं जिनका ग्रुप ओ है, यानी कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। अब देखिए, ये जो गोल्स आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है रेड कलर का, ये आपके आरबीसीज हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, या फिर उन्हें इरेथ्रोसाइट्स बोल सकते हैं आप।
अब जिनके ऊपर ये इस तरह के सर्कुलर एंटीजन्स होंगे, ये दिख रहा है आपको सर्कुलर एंटीजन, इस तरह के सर्कुलर एंटीजन होंगे उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। ठीक है, अब जिनके ऊपर इस तरह के एंटीजन्स होंगे, ये देखिए इससे आपको मिठाई की याद आएगी, ठीक है, काजू बर्फी इसी तरह की होती है। अगर इस तरह के एंटीजन होंगे तो वो किसके किसका ब्लड ग्रुप होगा? ग्रुप बी। अब सर्कुलर और ये काजू बर्फी दोनों जिसके ऊपर होगी उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी, और जिसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना तो सर्कुलर है और ना ही ये स्क्वायर फॉर्म में है, यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। अब जस्ट इसके ऑपोजिट जो आपके आरबीसी के ऊपर एंटीजन होता है, आपके प्लाज्मा में उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी होता है। तो अगर हम ब्लड ग्रुप ए वाले पेशेंट या पर्सन की बात करें जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसमें सर्कुलर एंटीजन होगा उसके आरबीसी के सरफेस पे, तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी एंटी बी, यानी कि ए वाले के पास एंटी बी एंटीबॉडी होगी और बी वाले के पास एंटी ए एंटीबॉडी होगी, और ए बी के पास, क्योंकि इसके पास ए और बी दोनों है, तो इसके पास कोई भी नहीं होगी। वैसे ही ओ वाले के पास, इसके पास ना तो ए है ना बी है, इसलिए प्लाज्मा में इसकी एंटीबॉडी होगी एंटी ए एंड एंटी बी। क्लियर है? अब यहाँ देखिए एंटीजन इन रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स में कैसे एंटीजन है? अगेन यहाँ पे वही दिया है कि ए ब्लड ग्रुप में सर्कुलर एंटीजन, बी वाले में इस तरह का शेप का, ए बी में दोनों तरह के एंटीजन, और ओ ब्लड ग्रुप में ना कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। अब चलिए इसको एक बार और डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी सेम चीज है, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में दिखाया गया है। यहाँ पे आपको ये आरबीसी दिख रही है, ये आरबीसी का सरफेस है और यहीं से ये पिन के साथ एक सर्कुलर सा अटैच है, यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसके आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजेंस इस तरह के पाए नहीं जाते, मेनली यहाँ पे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर में बताया गया है कि ये ओ वाले एंटीजन है। अब यहाँ पर ए वाले एंटीजन को दिखाया गया है, यानी जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा उनका एंटीजन दिखाया गया है ट्राइंगुलर शेप में, पर्पल कलर का ट्राइंगल शेप में उनका एंटीजन है, और जिनका बी ब्लड ग्रुप होगा उनके ऊपर एंटीजन है बी कलर, सॉरी ट्राइंगुलर शेप में येलो कलर का, ठीक है। और अब जिनका ए बी होगा, सीधी सी बात है, जिनका ए बी होगा तो मिक्सचर है ये ए और बी का, यानी कि ट्राइंगल वाला भी आएगा और ये येलो वाला ट्राइंगल भी आएगा, ये दोनों मिलके बना देंगे ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप ये दोनों ए और बी ब्लड के एंटीजेंस मिलकर बनाते हैं, यानी कि आरबीसी के सरफेस पे जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होगा उस पर्सन के आरबीसी के सरफेस पर दोनों तरह के एंटीजन्स पाए जाते हैं, और इस एंटीजन पे डिपेंड करता है एंटीबॉडी, जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है कि जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा उनके उनके ब्लड में एंटीबॉडी एंटी बी पाई जाएंगी। लोग इसी बात में कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी भी ए होगी, नहीं, इसके ऑपोजिट होती है एंटीबॉडी। एंटी का मतलब ही होता है अगेंस्ट, ठीक है, ऑपोजिट, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर ये आपको याद रही तो सब कुछ बिल्कुल आसानी से मजे से हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग लेकर आएंगे और भी बहुत कुछ, जिससे आपको पता चलेगा कि ब्लड ग्रुप में आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड दे सकता है या नहीं, और क्या क्या क्राइटेरिया होता है ब्लड डोनेट करने का। आई होप ये पूरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई और आपने इस वीडियो को पसंद किया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।